स्टार्ट हो गए। बताओ। हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। चल आ जाइए जल्दी से सभी लोग। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग करिश्मा, गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा करिश्मा नायक। सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और एक बार हाय हेलो लिख देंगे जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ओके, गुड मॉर्निंग सुमित्रा। यस करिश्मा, आज यूनिट नंबर 7। आज यूनिट नंबर 7 स्टार्ट होगा। ठीक है, यूनिट 7 स्टार्ट होगा। राधे राधे गुड्डू। बढ़िया है गुड्डू, मैं ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? ओके, वेरी गुड। अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत है तो इस दुनिया में आपके लिए असंभव जैसा कुछ भी नहीं। सिर्फ ये मोटिवेशन एक कोट है, लेकिन ये कई चीजें हमें सिखाता भी है। अगर आपके अंदर एक चाहत है कि हमें अच्छा खाना खाना है, तो आप बनाना सीख जाते हैं। वैसे ही असंभव नहीं है आपके लिए कि खाना अच्छा बनाना हो। ठीक है, जैसे ही आपको चाहत है कि हमें JRF चाहिए, तो वो असंभव नहीं है। अगर आप समझते हैं कि असंभव है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, आप जैसे ही लोग JRF करते हैं। ओके, और आप जैसे ही लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, है ना? ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, पूजा, यूएसए से हमारे संबंध हो गए थे, है ना? कल यूनिट नंबर 6 पूरा खत्म हो चुका था। कल नहीं, पर हाँ कल मॉर्निंग। गुड्डू, क्लास थोड़ी टाइमली नहीं हो पा रही है क्योंकि कुछ कारणवश, क्योंकि यहाँ तो एक तो नेट प्रॉब्लम रहती है ना? तो इस वजह से हो सकता है कनेक्शन हम दूसरा ले लेंगे, उसके बाद टाइमली क्लासेस होंगी। ओके, यस, जहां चाहे वहां राह है। ओके, वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग ये टॉपिक, ये गलत है, लेकिन आज आप लोग पता क्या करेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग ये जो भी क्लास पढ़ाई जाए आज, उसके सारे नोट्स बनाएंगे। ओके, गुड मॉर्निंग निर्मला। आज हम लोग को पढ़ना है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉलोनियलिज्म, हेरिटेज, भारतीय संविधान एवं उपनिवेशवाद विरासत, मतलब जो ब्रिटिश सरकार की विरासत है वो हमें दी, वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोगों को पढ़ना है कि भाई कौन कौन से एक्ट आए,
है ना, ब्रिटिश सरकार ने हमारे साथ क्या किया और कैसी कैसे व्यापार के साथ साथ वो हमारी राजनीति में भी एंट्री कर गए। ओके, ये सब हम लोगों को यहाँ देखना है। सिर्फ कहानी की तौर पर आज की क्लास होगी और आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको नोट करने होंगे। ओके, सभी लोग आ गए होंगे, एक बार थम्सअप दीजिए और उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, वेरी गुड। भारत जब स्वतंत्र नहीं था, अर्थात 1600 सेंचुरी से, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, सिर्फ किस उद्देश्य से आती है? व्यापार करने के उद्देश्य से। व्यापार करने के उद्देश्य से जब भारत आई कंपनी, तो उसने देखा कि भारत में बहुत सारे नेचुरल सोर्सेस हैं और इनसे हमने व्यापार अच्छा भी किया। उन्होंने व्यापार अच्छा किया, बढ़िया किया। और यहाँ से जैसे ही वो गए, ब्रिटिश वापस जाते थे, आते थे, जाते थे, बढ़िया मोटे ताजे हट्टे कट्टे बन के जाते थे। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा एक कहानी के रूप में आगे बताएंगे। ओके, तो अभी यहाँ आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, कैम टू इंडिया, और 1858, एक चीज याद रखिएगा, 1858 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण करने लगता है। अर्थात वो सारे क्षेत्रों में, जैसे पॉलिटिकल है, सामाजिक है, सभी क्षेत्रों में वो भारत सरकार में नियंत्रण अपना जमा लेता है, ब्रिटिश क्राउन, रानी, राजा। ओके, तो 1775 में, एक चीज और याद रखना है, 1765, ये तो नोट कर लीजिएगा, नहीं आगे भी हम बताएंगे इसे। ठीक है, अब आता है 1765, ये यहाँ होना चाहिए। ओके, 1765 में क्या होता है कि बंगाल, नोट करिएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन पर राजस्व पर नियंत्रण कर लेता है। मतलब जो टैक्सेशन होगा यही सरकार करेगी। ओके, यहां इनके तीनों पर राजस्व पर नियंत्रण कर लेता है। ओके, ये चीज याद रखिएगा, कैसे कर लेता है और क्यों कर लेता है ये भी समझ लीजिएगा। बैटल ऑफ बक्सर आप लोगों ने सुना होगा, सुना है कि नहीं? बैटल ऑफ बक्सर 1764, ब्रिटिश और बंगाल के बीच होता है। जिसमें ब्रिटिश जीत जाती है और ब्रिटिश अपना नियंत्रण बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा पर कर लेती है। ओके, अब 1600 आपको क्लियर हुआ, 1765 क्लियर हुआ, ये चीजें क्लियर हुई आपकी, इसे छोड़ दीजिएगा अभी। ठीक है, एकदम सिक्वेंस से चलेंगे तो चीजें आपको क्लियर रहेंगी। ये मैं रेजर कर देता हूं, ये नोट हो गया। सत्रह सौ चौसठ से 1764 में युद्ध होता है, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, ये 1764 में होता है, जिसमें ब्रिटिश सरकार और जो किस किस के बीच होता है, ये ब्रिटिश वर्सेस बिहार, सॉरी बंगाल। ओके, तो इसमें ब्रिटिश सरकार जीत जाती है और ब्रिटिश सरकार जीतने के बाद 1765 में बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार के बीच, बिहार के ऊपर, इन सब के ऊपर राजस्व पर नियंत्रण कर लेती है सरकार। ओके, ये चीज क्लियर हुई। अब आता है सबसे पहले नंबर एक,
पॉइंट अभी ये यहाँ बना लेना और पॉइंट याद करना, ठीक है। 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट, इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में विनियमन, रेगुलेट करना, विनियमन अधिनियम। ओके, अब यहां से पूछ सकता है एनटीए कि विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1773। ओके, 1773 में क्या होता है कि भारत में कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण ब्रिटिश सरकार करने लगती है और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखती है। इसे थोड़ा समझिएगा, जो हमने आपको स्टार्टिंग में कहानी बता रहे थे वो यहां है कहानी कि भाई जो लोग आए थे ब्रिटिश सरकार से अनुमति देने के, अनुमति लेके कि भारत हम जा रहे हैं व्यापार करने, व्यापार करने आए और इन्होंने देखा कि यहाँ अच्छा खासा मोटा पैसा है। जब भाई कोई भी व्यक्ति है पैसा मिलेगा फ्री फंड में, बढ़िया से व्यापार उसका चलेगा, तो वो मोटा ताजा तो हो गई। जब वो बाहर गए, 1771 नहीं है, 1773 है, ओके, तो मोटे ताजे होके जाते हैं और ब्रिटिश सरकार के आला अधिकारी, जो उच्च अधिकारी हैं, उनकी उन लोगों पर नजर पड़ती है जो भारत व्यापार करने आए थे। जब व्यापार करने आए और मोटे ताजे होके गए तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भाई ये तो बहुत मोटे ताजे हैं, क्या बात है। उन्होंने देखा कि भारत में बहुत पैसा है, तब भारत में पैसा देखा और फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भारत में कंपनी के कार्यों पर, भारत में जो ब्रिटिश कंपनियां काम कर रही थी, व्यापार का काम कर रही थी भारत में, तो ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर अपना नियंत्रण जमा लिया। ओके, अब केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रख ली। अब क्या हुआ कि कंपनी जो थी ब्रिटिश कंपनी, वो अब ब्रिटिश सरकार के अंडर रहकर काम करने लगी। पहले क्या होता था, पहले किसी प्रकार का कंपनी सरकार के अंडर रहकर काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब सरकार के अंडर रहकर काम करने लगी ब्रिटिश सरकार की। ओके, ये चीज यहां याद रखना है। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं, जैसे कि गवर्नर ऑफ बंगाल किसे बनाया गया सबसे पहले, गवर्नर ऑफ बंगाल किसे बनाया गया, तो इसमें गवर्नर जनरल मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर ऑफ बंगाल कर दिया, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। ओके, अब एक चीज यहां याद रखना है कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होता था सिर्फ बंगाल का अकेला, अब गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब वो तीनों प्रांतों का कर दिया, उड़ीसा, बिहार एवं बंगाल, इन तीनों का कर दिया गया। ओके, इनमें एक इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई, उसमें चार मेंबर होते हैं। ओके, चार मेंबर रखे और फर्स्ट जो गवर्नर जनरल था तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, ये भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, ये चीज क्लियर। रॉबर्ट क्लिव नहीं थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ओके, ये चीज याद रखिएगा, ये चीज नोट हो गई आपकी, ठीक है। एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
क्योंकि यहाँ चीजें समझना बहुत जरूरी है। ओके अब आता है, अब इसी में आपका 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर ही क्या बनता है, कोड ऑफ डायरेक्शन भी बनता है, डायरेक्टर्स बनता है, जिसमें 24 मेंबर्स होते हैं। ये चीज याद रखना है। अब क्या होता है, इसमें कंपनी पर नियंत्रण सरकार का होता है और सभी जानकारी जो भी व्यापारी करेंगे यहाँ, जो कुछ भी करेंगे व्यापारियों के बारे में जानकारी, इनकी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्शन एग्जीक्यूटिव बनी थी, तो ये सारी चीजें वो किसे बताएगा, सरकार को बताएगा। ओके, सभी जानकारी व्यापार से संबंधित सरकार को बताएगी। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अब कंपनियां सरकार के अंडर रहकर काम करने लगी भारत में, पहले स्वतंत्र थी। ओके, सुप्रीम कोर्ट भी बनता है, कैलकाटा में बनता है, जो 1774 में पहला। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें फर्स्ट जस्टिस जो थे एलिजा एम्पे। ओके, फर्स्ट जो जस्टिस थे वो एलिजा एम्पे, ELIJAHIMPAY, एलिजा एम्पे। ओके, इतनी चीज आपको यहां याद रखना है। ये हो गया, अभी 1773 वाला खत्म। अब दूसरा लिखिएगा, ये समाप्त। अब आता है आपका अमेंडमेंट, संशोधन आता है। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ये होता है बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के रूप से नाम से भी जाना जाता है। ओके, जस्टिस का नाम रिपीट कर दीजिए, एलिजा एम्पे। ओके करिश्मा, नाम लिख लीजिएगा, एलिजा एम्पे। ओके, जस्टिस हैं ये फर्स्ट। अब जो 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, अमेंडमेंट एक्ट आता है, तो इसे बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कहा जाता है जो कोर्ट बना था सत्रह सौ चौहत्तर में जो कोर्ट बना था, उसमें क्या था कि भाई कानून हुए थे, कानून बने थे, लेकिन न्याय वहां कैसे मिलता था, अंग्रेजों के अनुसार। लेकिन जो 1781 वाला एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, तो इसमें क्या हुआ कि भाई जो भी सेटलमेंट होगा वो कैसे होगा, कलकत्ता कोर्ट कैसे न्याय देगी। अब कैलकटा कोर्ट कैसे न्याय करेगी, हिंदू धर्म के हिंदू कानून के अनुसार एवं मुस्लिम धर्म के मुस्लिम कानून के अनुसार। यस कोमल, आज ही स्टार्ट हुआ, गुड मॉर्निंग। तो कैलकटा कोर्ट में ये हुआ कि भाई आप क्या करिएगा, न्याय जो भी कर रहे हैं वो हिंदू एवं मुस्लिम के निजी कानूनों के हिसाब से करिएगा। ओके, ये क्लियर। सीधी सी बात, इतना याद रखिएगा, इस अमेंडमेंट एक्ट में क्या होता था कि हिंदू मुस्लिम के जो न्याय है वो उन्हीं के कानूनों के अनुसार होते थे, लेकिन ऐसा होना गलत था। ओके,
तो यहाँ चीजें इतनी ही याद रखनी है, आगे जब करेक्शन होता है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। जब आजाद होते हैं तब उसके बाद फिर कानून आता है कि भाई सभी के लिए न्याय बराबर है। ये नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका सेकंड, पिट्स इंडिया एक्ट 1884, ये आपको याद रखना है। अब क्या होता है, भारत में पिट्स इंडिया एक्ट में भारत में कंपनी पर पूरा अधिकार, अभी पहले कितना था अधिकार कि बस सिर्फ कंपनी को देख रही थी सरकार, बस और कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन यहां भारत में जितनी भी कंपनियां थी ब्रिटिश की, उन पर सर्वोच्च अधिकार अब किसका हो गया, सरकार का हो गया, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया, अर्थात सरकार बराबर ब्रिटिश सरकार। ओके, अभी हम लोग आजाद नहीं हुए हैं, इसमें ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च नियंत्रण। ओके, यहां नियंत्रण हो जाता है और भारत को ब्रिटिश क्षेत्र का कह दिया जाता है। अब भारत क्या हो गया, ब्रिटिश का एक क्षेत्र हो गया, अर्थात एक कॉलोनी हो गई। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है यहां। अब यहां क्या होता है, एक दोहरी सरकार प्रणाली आ जाती है, डुअल गवर्नमेंट आ जाती है, दोहरी सरकार प्रणाली स्टार्ट हो जाती है, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। उसमें क्या होता है, राजनीतिक कार्य एवं व्यापारिक कार्यों का पृथक हो जाता है। राजनीतिक कार्य एवं व्यापारिक कार्य दोनों अलग अलग चलने लगते हैं। दोनों अलग अलग कैसे चलने लगते हैं, दो बोर्ड बनाए जाते हैं, नंबर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और नंबर दो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दो बोर्ड बनाए जाते हैं, इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड कहा जाता है, ये राजनीतिक कार्य देखता है, पॉलिटिकल कंट्रोल की रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती है। ओके, और अगला कोर्ट ऑफ डायरेक्शन, ये वाणिज्यिक एवं व्यापारिक मुद्दों को देखती है। ओके, वाणिज्य एवं व्यापारिक मुद्दों को देखती है, इसे निदेशक मंडल कहा जाता है। ओके, गवर्नर जनरल की यहां संख्या कितनी हो जाती है, पहले गवर्नर जनरल कितने थे, तीन चार थे, और यहां गवर्नर जनरल कितने हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं। ओके, गवर्नर जनरल कितने, तीन मेंबर। ओके, इतनी चीज आपको यहां याद रखनी है। ओके, यहां तक क्लियर, एक बार थम्स अप दीजिए अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो बताइएगा। जब 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है, जहां एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनती है, वहां चार मेंबर होते हैं और यहां तीन मेंबर होते हैं गवर्नर जनरल। ओके, क्लियर, ओके, वेरी गुड, सभी ने नोट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब डालेंगे पॉइंट नंबर थ्री, जिसमें आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओके, अब इसमें क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी
उसका एकाधिकार समाप्त हो जाता है, मतलब उसका जो सिंगल डोमिनेंस था, मतलब एक अधिकार था कि वही सब कुछ कर रही थी, यहाँ पर उस चीजें सारी समाप्त हो जाती है क्योंकि ब्रिटिश सरकार सब कुछ संभालने लगती है। ओके, केंद्रीकरण अर्थात सेंट्रलाइजेशन, चरम पर आता है, मतलब पीक पर पहुंचता है कि सभी को अब केंद्रीकरण करेंगे, सबको एक साथ लाएंगे और फिर ब्रिटिश सरकार देखेगी सबको। ओके, ये होगी ब्रिटिश सरकार और यहाँ सब इसके अंडर में काम कर रहे हैं। ओके, केंद्रीकरण को इसमें चरम पर लाया जाता है, पीक पर, और यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है, गवर्नर शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं GG, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। तो पहला जो गवर्नर जनरल, पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब क्या होगा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ओके, तो अंतर यहां ये हो गया, पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो विलियम बैटिंग। ओके, कौन थे, विलियम बैटिंग, क्लियर, ये चीज याद रखना है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी रानी के अंडर रहकर पूरा काम करने लगती। ओके, और इसमें 1873 में ही क्या करते हैं, सिविल सेवा के लिए, सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन रखते हैं, खुली प्रतियोगिता रखते हैं, एवं भारतीयों को भी इसमें प्रवास दिया जाता है, भारतीयों को भी एंट्री देने के लिए कहा जाता है। ओके, कि भारतीय भी आ सकते हैं। अब क्यों आ सकते हैं, इसका कारण किसी को पता है, बताइए, भारतीयों को उन्होंने क्यों लिया। सॉरी, बताइए, भारतीयों को इन्होंने क्यों लिया, नहीं है किसी को पता। भारतीयों को इसलिए लिया क्योंकि इनको व्यापार करने में सुविधा हो और शासन करने में भी सुविधा हो, जब लोग लोकल लैंग्वेज को समझेंगे अच्छे से तो क्या होगा, व्यापार आसानी से होगा, होगा, इसलिए इन्होंने भारतीयों को भी एंट्री देना स्टार्ट किया। ओके, इतनी चीज हम लोगों को इसमें रखना है, चार्टर एक्ट 1833 में। ओके, यस यस, वेरी गुड करिश्मा, चल यहां तक नोट हो गया सभी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 4 पॉइंट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब 1853 आता है और इसमें एक संसद बनी, पार्लियामेंट बनाई जाती है, जिसमें क्या होता है, विधायी, कार्यकारी कार्यों को सीमांकन किया जाता है कि अब अलग अलग होंगे, किसको क्या करना है उसके लिए अलग अलग किए जाते हैं। ओके, और भारतीय केंद्रीय विधान परिषद बनती है, ये चीज याद रखिएगा। अब ये नई परिषद बनती है
और इसमें नए पार्षद, इन्हें नए पार्षद भी कहा जाता है, इसमें 6 सदस्य होते हैं। ये सुझाव देती है, सुझाव देने की शक्ति दी जाती है कि भारत भारत की केंद्रीय विधान परिषद बनती है और ये ब्रिटिश सरकार को सुझाव देती है कि कैसे कैसे होना चाहिए। ओके, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनती है, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव वही तो बता रहे हैं, काउंसिल भी बनती है ना। इसमें एक लॉ मेंबर होता है, अब जो कानूनों को देखेगा। ओके, करिश्मा पहला वाला पॉइंट, इसमें एक संसद बनती है और संसद में विधायी एवं कार्यकारी कार्यों का सीमांकन किया जाता है कि अब विधायी कार्य कौन करेगा। और सेम जैसे मान लीजिए अपनी इंडियन पार्लियामेंट है, वैसी ही बनती है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कार्यों को अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, कि अब किसको कौन देखना, विधायी एवं कार्यकारी कार्यों को सीमांकन कर दिया जाता है। और भारत एक भारतीय केंद्रीय विधान परिषद भी बनाई जाती है जिसमें 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर जो सलाह देने का काम करते हैं। और अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनती है जिसमें एक लॉ मेंबर होता है। ओके, अब चीज क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लोक सेवकों को भी बनाया जाता है, लोक सेवक भी आते हैं जिनका चयन भारतीय, मतलब लोक सेवकों में सिविल सर्वेंट जो आते हैं उनमें भारतीय भी होते हैं, इंडियन भी होते हैं। ओके, इसे हम सार्वजनिक प्रतियोगिता कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने 1833 में पढ़ा था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अभी पढ़ा था, कि भारतीयों के लिए कुछ ओपन कंपटीशन रखा जाता है जिसमें भारतीय भी एंट्री कर सकते हैं। तो अब यहाँ क्या हुआ, सिविल सर्वेंट में भारतीयों का भी चयन सार्वजनिक प्रतियोगिता से होने लगा। और इसे हम लोग, और एक बनती है मैकाले कमेटी, मैकॉले कमेटी बनती है 1854। ओके, ये कमेटी बनती है और इसमें कहा जाता है कि कंपनी एक निश्चित अवधि के लिए प्रशासन नहीं करेगी, बल्कि केवल तब तक प्रशासित करेगी जब तक कि ब्रिटिश संसद इसके लिए प्रावधान करेगी। इस कमेटी द्वारा कह दिया जाता है कि जो भारत में ब्रिटिश कंपनियां शासन कर रही थी या अपना प्रशासन जमाए हुए थी, तो उन्होंने कहा कि अब कंपनी क्या करेगी, निश्चित समय तक या निश्चित अवधि तक प्रशासन नहीं करेगी, जब तक करेगी जब तक ब्रिटिश सरकार उनसे संतुष्ट है। जिस दिन ब्रिटिश सरकार या संसद इसके लिए आपको मना कर देगी, उस दिन आपको बंद करना पड़ेगा। ओके, इतना इसमें कहा जाता है, क्लियर। यहां तक क्लियर है सभी को, एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वही समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़ा जाए। गुड्डू, करिश्मा, कोमल, सामा हुसैन, सुमित्रा, सोनिया, पूजा, अंजनी, निर्मला। ओके, वेरी गुड। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्राउन रूल भी कहा जाता है। लोक सेवक सिविल सर्वेंट है, इंग्लिश में कहते हैं, है ना। और किस नाम से जाना जाता है? सिविल सर्वेंट कहा जाता है, सिविल कर्मचारी कह लीजिएगा। ओके, ये 5 नंबर पॉइंट है। इसमें क्या होता है, क्राउन रूल राजा का शासन होता है, और इसमें क्या, इस सिपाही विद्रोह अगर 1857 की प्रक्रिया के रूप में स्थापित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अधिनियम जो था, सिपाही विद्रोह आप लोग जानते होंगे 1857 में होता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया जाता है, जो सैनिक विद्रोह होता है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट आई और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, भारत के लिए लॉ बनाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है, भारत के लिए लॉ बनाती है, भारत किससे, अपनी ही संसद से, ब्रिटिश में बैठकर भारत के लिए लॉ बनाती है। भारत के राज्य सचिव का सृजन, जो ब्रिटिश संसद में संसद के लिए उत्तरदायी था, एक राज्य सचिव भी बनाया जाता है, जो क्या करेगा, भारत का प्रतिनिधि होगा और जो ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश में अपना प्रतिनिधित्व करेगा इंडिया का। ओके, अब इसमें पहला वायसराय भी बनाया जाता है, और इसमें एक चीज और कही जाती है, इसे हम रेजर कर रहे हैं, कि भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम, भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तथा ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, भारत के लिए लॉ बनाने लगती है अपनी संसद से, और पहला वायसराय, फर्स्ट वायसराय जो आते हैं रानी के प्रतिनिधि के रूप में भारत आते हैं, उन्हें लॉर्ड कैनिंग कहा जाता है, लॉर्ड कैनिंग के नाम से प्रसिद्ध है ना। लॉर्ड कैनिंग आए थे, जो भारत के पहले वायसराय थे। एवं राज्य सचिव की भी स्थापना की जाती है, तो राज्य सचिव कौन था, ये भी आपको याद रखना है, वो लॉर्ड स्टैनली। ओके, लॉर्ड स्टैनली राज्य सचिव और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ओके, ये चीज आपको याद रखना है। अब राज्य सचिव क्या काम करता है, तो काउंसिल ऑफ इंडिया कार्यालय बनता है, जो मदद करेगा भारत में। ओके, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी मदद पहुंचाई जाएगी वो करेगा और ब्रिटिश सरकार देखेगी। ओके, उद्देश्य क्या होता है इनका, प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना, अर्थात प्रशासन में जो भी कमियां उनको सुधार करना है, और प्रांतीय सरकार में विकेंद्रीकरण शामिल हुआ, जो प्रांतीय सरकार छोटे छोटे जो राज्य थे उनमें डिसेंट्रलाइजेशन हुआ सबका, कि भाई अब अपनी अपनी व्यवस्थाएं संभालिएगा थोड़ा थोड़ा, और बकाया प्रतिनिधित्व तो हमारे लोग कर ही रहे हैं, तो उन्हें आप अपनी समस्या बताइएगा, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिसीजन लिए जाएंगे आपके लिए वो यहाँ अप्लाई होंगे। ओके, मतलब ब्रिटिश में बैठकर भारत का शासन हो रहा था। ओके, ये चीजें आपको याद रखनी है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ क्राउन रूल आ जाता है, मतलब राजा का एक मुकुट शासन, है ना, राजा का शासन आ जाता है यहाँ।
लॉर्ड स्टैन हिल नहीं है, लॉर्ड स्टैनली। ये इंडिया के नहीं थे, ओके, ये सब ब्रिटिश से थे, ब्रिटिश से थे लेकिन भारत का वहां प्रतिनिधित्व करते थे, ओके। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ा जाए। एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट करते रहना, इसके नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, है ना। कुछ चीजें आप लोग नोट नहीं करते हैं, इस वजह से इसके अब आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। अगला आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ओके। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। अब इसमें राज्य सचिव किसे बनाया जाता है? मॉर्ले मिंटो, इसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ओके। ये चीज याद रखिएगा, मॉर्ले मिंटो सुधार कब आया? 1909 में, ठीक है। ये भारत की वायसराय थी मॉर्ले मिंटो। इसमें क्या होता है? केंद्रीय एवं प्रांतीय दोनों विधान परिषदों में सांसदों सॉरी सदस्यों का विस्तार किया जाता है, इसमें भारत भी शामिल होता है, ओके। केंद्रीय व प्रांतीय सदस्यों का विस्तार होता है, और इसमें भारतीयों को भी शामिल करने लगते हैं। भैया अब भारतीय भी शामिल हो जाएंगे इसमें, कार्यकारी परिषद में सदस्य बनते हैं, और इसमें कितने मेंबर हो जाते हैं? 60 मेंबर, केंद्रीय परिषद सदस्य। ओके, 60 मेंबर हो जाते हैं इसमें, ये चीज याद रखिए। अब भारत के जो पहले कार्यकारी सदस्य बने थे, आप सबको पता होगा भारत के पहले कार्यकारी सदस्य कौन थे, चलिए बताइए। इसे मैं रेजर कर रहा हूं, भारत के पहले कार्यकारी सदस्य कौन बने, पता है किसी को? कोमल आपको तो पता होना चाहिए, पहले पढ़ा चुके हैं हम आपको। कार्यकारी सदस्य विधि सदस्य कौन थे? बताइए। नहीं, रॉन्ग आंसर। और किसी को पता है? निर्मला, रॉन्ग। एसपी सिन्हा, एसपी सिन्हा का नाम सुना है? एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो पहले कार्यकारी सदस्य थे, जो विधि सदस्य बने, लॉ के सदस्य बने थे, ओके। अब इसमें बात की जाती है अलग निर्वाचन मंडल की, अलग निर्वाचक मंडल को मंजूरी दी जाती है कि क्या होगा इस अलग निर्वाचन मंडल में, कि भाई
मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की निंदनीय प्रणाली को पेश किया। अब ये पता क्या किया इन्होंने, इसमें मौलवी मिंटो में फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल का खेल खेला कार्यकारी सदस्य का इंग्लिश क्या है? कार्यकारी एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया जाता है इनको। ओके, ये चीज याद रख लीजिएगा बस। अब इसमें एक सेपरेशन निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, एक अलग से मैं जो वोटिंग वाला सिस्टम होगा उसे बना दिया जाएगा। अब इसमें क्या किया जाएगा कि मुस्लिम जो होगा मुस्लिम का सपोर्ट करे, हिंदू हिंदू का सपोर्ट करे, डिवाइड एंड रूल खेल खेला, मतलब अब इन्होंने एक राजनीति खेली है यहाँ। ठीक है, गवर्नमेंट है, किस गवर्नमेंट ने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ओके, तो लॉर्ड मिंटो को ही क्या कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है सांप्रदायिक मतलब अर्थात धर्म आधारित निर्वाचक मंडल की जनक, सांप्रदायिक निर्वाचक की जनक। ओके, ये चीज याद रखना है इसमें। अब इसमें ये नोट हो गया, ये नोट कर लिया, एक बार थम्सअप दीजिए। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कोऑपरेशन इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालयों में जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। यूनिवर्सिटीज एंड लैंडलॉर्ड्स एक अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ याद रखनी है। ओके, मेन मेन पॉइंट पढ़िएगा, ज्यादा डीप में मत पढ़िएगा। ओके, डिवाइड एंड रूल का है, फूट डालो राज करो, ठीक है वो है। ओके करिश्मा, तो अंग्रेजों ने ही स्टार्ट किया था फूट डालना और राज करना। ओके, क्लियर? अब यहां आपकी अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 का भारतीय एक्ट। इसमें मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना। और ये सुधार करने आए भारत में, ये मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव बने और ये वायसराय चेम्सफोर्ड। ओके, अब इन्होंने कहा कि प्रांतों में मतलब स्टेट्स में दोहरी शासन प्रणाली का प्रारंभ किया, स्टार्ट किया, और उसमें एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया। केंद्रीय बजटों को राज्य के बजट से अलग किया गया, सेपरेशन हुआ है यहाँ। केंद्रीय सेंट्रल बजट जो है राज्यों के
बजट से भी अलग किया। ये चीज नोट हो गई आपकी। यहां केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था भी स्टार्ट की गई। अर्थात वाई कैमरलिज्म ऑफ सेंटर पृथक निर्वाचक मंडल सिखों ईसाइयों एवं भारतीयों तक किया। भाई अब सेपरेशन ऑफ वोटिंग सिस्टम जो उन्होंने स्थापित किया तो उसमें क्या हुआ, हर धर्म के लोग अपने अपने धर्मों से मतलब वोट डालिएगा, जो भी जो कुछ करना है तो वो सबको अलग अलग कर दिया गया। ओके, द्विसदनी विधायिका और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई, है ना। प्रत्यक्ष चुनाव, सीमित संख्या में लोगों को मतदान का अधिकार लिमिटेड हो किया गया था। यहाँ कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार, लिमिटेड वोट राइट। ये सारी चीजें यहां रही। और राज्यसभा लोकसभा का गठन, ₹1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनता है यहाँ, 1926 केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया जाता है। ये चीज नोट करिएगा, है ना। यहाँ इतनी चीजें आपको याद रखनी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और जो भारत का उच्च आयुक्त स्थापित किया गया वो तो लंदन में स्थापित किया गया, कि भाई कोई भी प्रॉब्लम होगी अब सारे डिसीजन लंदन में लिए जाएंगे। ओके, क्लियर यहां तक। चल लास्ट पॉइंट, 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया गया। यहाँ मेन मेन पॉइंट आपको याद करना है और ज्यादा नहीं करना है। अगर ज्यादा आपको पढ़ना है, समय है आपके पास, तो उठाइएगा लक्ष्मीकांत और पढ़ डालिएगा। लेकिन लक्ष्मीकांत से कोई हल नहीं निकलने वाला, क्योंकि जितना एनटीए पूछता है इसी में घुमाकर पूछ लेता है। ओके, अब दो पॉइंट हमारे रह जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 35 एंड इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए, अगर आप किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। आज के टॉपिक का नाम हिंदी में, तो हिंदी में लिख लीजिएगा, भारतीय संविधान उपनिवेशवाद
ओके, भारतीय संविधान एवं उपनिवेशवाद विरासत। ओके, इतनी चीज आपको याद रखनी है। ओके, क्लास 8 PM होगा, इसके लिए हम बता देंगे आपको ऑलरेडी। ओके चलिए, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। मिलते हैं हम लोग कल या फिर शाम के, जो भी होगा हम बता देंगे आपको। ओके, थैंक यू।